वो सबसे पहले कायदा क्या था कि वो लोग अपने हॉस्पिटल ब्लड जब देते थे जब रिप्लेस करें वहाँ अपने ब्लड डोनेशन करें कि हम बाहर से लेके आएंगे। तो हम चार लोग थे, हम लोगों ने ब्लड दिया उसके हेल्प करने के लिए। फिर हम लोगों को अपने बिजनेस टूर पे जाना था। हम लोग रिवर्स निकले थे तो काफ़ी निकले थे, ज़्यादा अच्छी धक्की लगी हुई। फिर जिस अंदर काम हम लोग ट्रेवल कर रहे थे वो पल गई, बिल्कुल वैसे चार पहिए उसके ऊपर गए और हम चार डॉक्टर उसके अंदर, और जो चला रहा था हमारा कभी जो चला रहा था वो उसकी अपनी गाड़ी थी उसकी, तो एकदम बहुत नर्वस हो गया, ट्राई करने लगा। तो मैंने पहले तुम गाड़ी बंद करो, पहले तो फिर चौक करो उसको जो है अंदर ही अंदर बातें कर रहे हैं। नहीं मतलब वो तो नर्वस हो गया था, आई वाज तो पहले गाड़ी बंद करो तो बाद में सोचेंगे इसके बारे में। किया मैंने हैंडब्रेक लगाओ गाड़ी डिस्टर्ब ना हो। अब देखो दरवाजे खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, तो दरवाजे नहीं खुल रहे थे गाड़ी पे। वो हमें जो सब स्लिम था उसको मैंने कहा था शीशा था आगे बैठा हुआ, तो हम लोग पीछे बैठे हुए थे, पीछे था अंदर आधे शीशे खुलते हैं वहाँ से हम लोग निकल नहीं सकते थे। जब उसके पड़ोस में बैठा था उसकी जो गाइड ड्राइव कर रहा था, तो शीशा बाहर खुल रहा है, तो शीशा खोलो, तुम शीशा खोलो निकलने की कोशिश करो, कोशिश करके निकल गया। अब तो बाहर से कोशिश करो दरवाजे खुले थे जो है, फिर कोशिश करके बाहर से दरवाजे खोले, सब लोग निकल आए। फॉर्चुनेटली किसी को कोई खरोच नहीं आई, जो पहले निकला था उसी कमीज फटी से उसकी निकल कमीज फट गई उसकी, वो दैट इज ओनली डैमेज करने को और से आगे मतलब कितना फर्क पड़ता है मैं बताता हूँ करने को। इतने लोग आसपास इकट्ठे हो गए, हमने बचा गाड़ी सीधी करवाओ, हमारी जो पलट गई है तो गाड़ी सीधी करी गई, उनकी कोशिश करके जो है। अब मैंने उसको बोला उसके दीपक दिलीप नाम था उसका लड़के का, उसकी गाड़ी थी, मैं तो देखो गाड़ी तुम्हारी चल रही कि नहीं चल रही पहले, नहीं तो उसकी व्यवस्था करें, गाड़ी हमारी व्यवस्था की जाए, चाबी लगाई गाड़ी स्टार्ट हो गई करने को। अब मैं तुम बोलो उसी के बिजनेस ट्रिप में हम लोग जा रहे थे, उसका क्लाइंट था। अब बोलो तुम जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, तो नहीं आप इतना करा रहे हो चलिए बिजनेस कॉल अटेंड करते क्या कैसे कर लेंगे। तो मैं ये हम लोग फिर हम यही सोचा कर रात में सोचते डिस्कस कर रहे कि भाई किसने बचाया हम लोग, हम लोग ये अंदाज लगा लोग ब्लड डोनर जो कर क्या है, जो थोड़ा हल्का सा हमने काम किया था उसी समय से बची जो इसी कोई चोट नहीं लगी, बिल्कुल सलाह से कमीज फटी और कुछ नहीं हुआ। वैसे इस एस्पेक्ट में एक बात याद रखनी चाहिए, मेरा सुझाव ये है कि जब भी कोई ऐसी अजीबोगरीब चीज होती है तो हम समझते हैं कि बड़ा लकी वेरी बहुत ही खुशकिस्मती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसको मेयर खुशकिस्मती या लकी नहीं मानना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ प्रभु कृपा, भगवान आपको उस वक्त आपकी रक्षा करता है। और अगर आप इस बात को सोचें तो यू नॉट ओनली thanks for whatever has happened, but you also increase your dedication towards the Lord, which is most important. So, आप कुछ मेहनत कर रहे हैं। I was posted in Belgrade, Yugoslavia, former Yugoslavia. थोड़ा सा ऊँचा। हाँ, लाउंज। That was in 1989, I was posted.